और देखिए सुबह सुबह रोज़ कितना अच्छा सुंदर हुआ है। एक साथ तीन तीन कली खिल गई है और यहाँ पे भी दो और गुलाब है, इतना सुंदर लग रहा है आज। और ये देखिए मेरे और सारे प्लांट्स, और आज यहाँ पे भी देखो यहाँ पे भी कुछ प्लांट्स लगे हैं, ज़्यादा नहीं है, अभी थोड़े थोड़े लगाए हैं, और इस साइड में भी थोड़ा कुछ लगाया है। और मैंने आज कुछ नए प्लांट्स भी खरीदे हैं, बाद में लगाऊंगी। ये मैं आज वैलेंटाइन डे है तो मैं पौधे का भी बहुत सारा प्यार करती हूँ ना, तो इसी वजह से ये कुछ नए प्लांट्स आज मैंने खरीदे। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस आज है वैलेंटाइन डे, तो आज मैंने सोचा आज थोड़ा एक व्लॉग बना देती हूँ, क्योंकि स्पेशल दिन है तो सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे। और वसंत पंचमी भी है, तो वसंत पंचमी सरस्वती पूजा, तो सबको सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और गाइस आज मातृपितृ दिवस भी है, कहीं कहीं भी जगह पर मातृपितृ दिवस भी मनाते हैं, तो सारे माता पिताओं को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और गाइस आज इतने अच्छे दिन पर हम जा रहे हैं दंतेवाड़ा, दंतेश्वरी टेम्पल, तो सोचा आज हम व्लॉग बना देते हैं, आज हमारे साथ साथ आपको भी घुमाते हैं, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए आज के व्लॉग में। गाइस वीडियो बनाते बनाते मैंने देखा कि मैंने बिंदी लगाई नहीं है, तो सबसे पहले मैं बिंदी लगा देती हूँ, नहीं तो फिर भूल जाऊँगी। घर में काम ऐसा होता है ना कि सारा चीज़ मतलब भूल जाती हूँ, तो एक एक चीज़ रह जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता फ़ोटो में कहीं पे। मुझे थोड़ा छोटा बिंदी ज़्यादा पसंद है, बस अच्छा लगता है। सो गाइस आज है 14 फरवरी 2024, और 14 फरवरी 2019 एक ऐसा दिन था जब पूरे देश की आंखों में आंसू आ गया था, और हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे आतंकवादियों ने उन पर आक्रमण किया था, पुलवामा अटैक। और तो सबसे पहले आज हम उन जवानों को याद करेंगे, फिर इससे इसके बाद अपने ब्लॉग की शुरुआत करेंगे। गाइस आज ये रोज़ कटने वाला है, अभी मैं काटने वाली हूँ, तो ये रोज़ मैंने काट लिया, यहाँ पे रखती हूँ। और ये रोज़ सच में बहुत ही सुंदर हुआ है, इसे नहीं काटना चाहिए था लेकिन मैंने काट लिया आज के दिन के लिए। मैं हर कभी नहीं काटती हूँ, नहीं सिर्फ आज पसंद आ गया, आज पहले हस्बैंड को दूंगी फिर मैं इसको अपने सिर में लगा दूंगी, तो यहाँ पे अभी रखती हूँ। जो कृष्णा यहाँ पे मातृपितृ दिवस की पूजा कर रहा है, तो आज हमने ही उसको कहा था कि तुम इसे करो, अच्छी बात हम ही सिखाएंगे और कौन सिखाएगा, तो आज कृष्णा ये पूजा कर रहा है। ठीक है, भांगी दे। तकरीबन अभी 12 बज रहे हैं और हम लोग निकल चुके हैं दंतेश्वरी टेम्पल के लिए, और ये रोज़ देखो मैंने पीछे लगा लिया है, और चलिए हमारे साथ सफर में। Thank you.
पहुँचते पहुँचते रास्ता भी थोड़ा ख़राब था और हम मंदिर के पास पहुँचने ही वाले हैं। तो ये देखिए गाइस, मंदिर का गेट दिख रहा है और अभी इतना सुंदर बन गया पहले से सब कुछ, मतलब अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है लेकिन अब तक जितना बना है सुंदर लग रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ गाड़ी से उतर के। तो ये है यहाँ का सुरक्षा घेरा, कुछ कुछ गाड़ी अंदर जा पाती है शायद। और ये देखिए एक प्रसाद भी करके आ रहा है और यहाँ पे ऐसे हम गाड़ी लेके अंदर नहीं जा सकते, पार्किंग बाहर में है। और ये देखिए ये एंट्रेंस, इससे पहले हम आए थे ना तो ये वाला नहीं बना था, हमको साइड में से अलग से चल के जाना पड़ रहा था। तो अब ये बन गया है और अच्छा है, मतलब हम धूप में आए हैं तो धूप नहीं लग रही है, मतलब हर जगह पर सीसीटीवी कैमरा है। और देखिए साइड में भी अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बहुत ही बड़ा बहुत ही सुंदर बनेगा अब ये। ये देखिए आगे लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान की मूर्ति है, शेषनाग, ये शंकर जी की मूर्ति और आगे में, और आगे में बना रहे हैं हनुमान जी की मूर्ति, वो तो सबसे बड़ी मूर्ति है। और देखिए एंट्रेंस, ये सामने में है दंतेश्वरी टेम्पल और आसपास में ऐसे दुकानें लगी हुई हैं जहाँ से हम फूल नारियल सब खरीद के भगवान के पास लेके जा सकते हैं, माता रानी के पास। ये देखिए, और ये देखिए हम अंदर एंट्री कर चुके हैं। तो सबसे पहले ये कितना अच्छा नज़ारा है, सारे पौधे लगाए गए हैं यहाँ पे। और ये मंदिर का फ्रंट है सामने में। तो चलिए हम अंदर चलते हैं, हमारे साथ साथ आप भी दर्शन कीजिए। यहाँ पर लिखा गया है फोटो का भी, फोटो और वीडियो उठाना मना है, लेकिन सब तो उठा रहे हैं तो फिर मैं भी उठा रही हूँ और क्या, सभी तो मेरे साथ दर्शन करेंगे। चलो।
मजा कर भीतर आने हमें भी नुआ गाड़ी आने के नहीं ऐसे नहीं था जो तो आज तो अभी हम मंदिर के दर्शन कर चुके हैं और मंदिर के पीछे वाले साइड में आ गए हैं और पीछे वाले साइड में भी एक नदी है। ये लोग जा रहे प्रसाद लेने के लिए। मैं ऐसे आपको पहले नदी दिखा देती हूँ। तो देखिए मंदिर के पीछे में भी एक नदी है, आगे में भी एक नदी है। यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, संखिनी और दंखिनी दो नदियाँ हैं जिनका यहाँ पे संगम होता है। दोनों को बहने कहा जाता है। तो चलो अभी मैं भी प्रसाद ले लेती हूँ और प्रसाद लेके हम मंदिर का दर्शन हो गया है और आगे में जो नदी है उसको मैं भी आपको दिखाऊंगी। और देखिए गाइस यहाँ पे सारे पौधे के ऊपर, ये जो पौधे के ऊपर में किसे चुनरी बांधी हुई है तो सब कोई मन्नत मानता होगा तो इसी वजह से होता होगा, ये मुझे पता नहीं है। और यहाँ पे इस तरह से आगे में शेड बनाया गया है और पौधे इतने अच्छे लगाए गए हैं जिसकी वजह से सुंदरता और ज़्यादा निखर रही है। सो गाइस ये देखिए बैक साइड में एक नदी थी, अभी ये मंदिर का फ्रंट साइड है मंदिर का, तो फ्रंट में भी एक नदी है। तो देखिए ये नदी यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है यहाँ की फ्रंट वाली नदी। कौन सी संखिनी है कौन सी डंखिनी है मुझे पता नहीं है, पता करके आपको भी बताऊँगी। और ये लेकिन सुंदर लग रहा है यहाँ का नज़ारा। सामने में ब्रिज है और अभी हम यहाँ से चलते हैं। और गाइज हम देखो मंदिर के बाहर निकल चुके हैं और ये हनुमान जी की मूर्ति बन रही है। कितनी बड़ी बन रही है, अभी तक बना नहीं है। ये सब काम ख़त्म करते होते हुए और एक साल लग जाएगा। और हम यहाँ पे गोला खाएंगे, आइस का गोला। तो ये बहुत ही टेस्टी है। और आते हुए देखो हम सेट के अंदर से आए थे, अभी हम ये साइड से चल के जा रहे हैं। यहाँ का सारा काम अभी बाकी है तो ये वाला रास्ता आगे से बंद है। तो चल के फिर ऊपर से आगे चले जाएंगे। देखिए आगे में रास्ता बंद है इसलिए यहाँ से कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। तो यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं और बस यहाँ से हम निकल जाएंगे थोड़ा कुछ खाने के लिए, भूख लगी है। गाइस हम ये वहाँ एक रेस्टोरेंट में पहुँचे कुछ खाने के लिए। ये शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट है, जिसको आना चाहे मंदिर वो आ सकते हैं। मतलब गीतम जाते हुए, मंदिर से गीतम जाते हुए रास्ते में है। और देखिए आज वैलेंटाइन डे है तो कितना अच्छे से सजाया गया है, मतलब बहुत ही अच्छे से होटल को सजाया गया। और सबसे बड़ी बात क्या है इस होटल का, इतने शाकाहारी है ये होटल। अरबी का कैफे एंड रेस्टोरेंट है इसका नाम। और एक तो और इसका जितना भी स्टाफ है वो लेडीज स्टाफ है। और ये देखिए हमारा स्टार्टर आ गया है तो हम लोग अभी खाना खा रहे हैं। और गाइस देखिए यहाँ से ये मंदिर कैसे अच्छे से दिख रहा है, जो शेड में से हम गए थे ना वो शेड दिख रहा है। तो हम अब वापस लौट रहे हैं अपने घर मंदिर का दर्शन करके। तो इतना सुंदर नज़ारा था तो मैंने कहा फिर से आपको ये दिखा देती हूँ। ये किरंदुल पहुँचते पहुँचते ये वाला नज़ारा दिखाई देता है और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो
ब्लॉग अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुत ज़्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम और भी ज़्यादा ब्लॉग बनाएंगे, हमारा मनोबल और भी बढ़ेगा। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बाय बाय, टेक केयर, और ये नज़ारे का आनंद उठाइए। बाय बाय।